नमस्ते एवरीवन, दिस इज मंदीप फ्रॉम ट्रूबी कार्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपनी गाड़ी को अपनी लेन के सेंटर में कैसे रख सकते हैं। जो नए ड्राइवर्स होते हैं, ये उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जब भी वो गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, तो उनकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ड्रिफ्ट करती रहती है, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे चलती है उनकी गाड़ी। तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है, उनको लगता है कि वो दूसरी लेन में किसी और के साथ गाड़ी लग जाएगी और ये कर्ब के साथ में गाड़ी बच सकती है, तो वो काफ़ी नर्वस रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि आप गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कैसे रख सकते हो अपनी लेन के अंदर। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, और हम ऑलमोस्ट एवरी डे नई वीडियोस डालते हैं इसके ऊपर। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपको नई वीडियोस जो है मिलती जाएंगी, नया मटेरियल मिलता जाएगा और आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो गाड़ी को अपनी लेन में सीधा रखने के लिए, सेंटर में रखने के लिए, हमें एक बिल्कुल बेसिक जो प्रिंसिपल है वो अंडरस्टैंड करना है। और वो प्रिंसिपल ये है कि यू स्टेयर वेयर यू लुक, यू स्टेयर वेयर यू लुक। जहाँ भी आप फोकस करोगे वहीं पे आपकी गाड़ी चली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल उसकी देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वो मान लो कोई और ड्राइविंग स्कूल के साथ पहले थे, अभी बाद में हमारे पास आ गए, तो बोलते हैं कि जो हमारा पुराना ड्राइविंग स्कूल था, उन्होंने बोला कि ये जो लाइंस लगी हुई है यहाँ पे, जो वाइट लाइंस हैं, इसको एज ए गाइड देखो। ठीक है, इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करो। उसमें होता ये है कि अभी आप ये वाइट लाइन को एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, तो स्लोली स्लोली आपकी गाड़ी है ना जो वो लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सेम चीज़ होती है राइट साइड पे। कुछ स्टूडेंट आते हैं, वो राइट साइड पे ऐसे ना कर्व कर्व को देखते रहते हैं, तो उससे ये होगा कि वो आप कर्व के ऊपर अपना फोकस रखोगे, या फिर आपका फोकस ये साइड वॉक के ऊपर है, तो वो स्लोली आपकी गाड़ी है ना वो राइट साइड में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। वो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उससे आपकी गाड़ी जो है वो कर्व के ऊपर चढ़ सकती है। तो हमें करना क्या है, हमें ना ऑलमोस्ट 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स मान लो ये अभी वो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है, यहाँ पे ये गाड़ी जा रही है, तो आपने वो ऑलमोस्ट 12 सेकेंड्स अपने आगे देखना है, और बिल्कुल अपनी जो लाइन लेन है आपकी, ये लेन है उसके बिल्कुल सेंटर में देखना है। तो आपने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो जब आप सेंटर में देखते हो अपनी लेन के फार हेड, ठीक है ना, यू आर लुकिंग इन द सेंटर ऑफ योर लेन फार हेड अबाउट 12 सेकेंड्स अहेड, तो उससे आपकी जो है गाड़ी है वो बिल्कुल आपकी लेन के सेंटर में यहीं पे रहेगी। तो इसकी हम और एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं। तो ये अभी मैं प्ले करता हूँ, थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये लेफ्ट टर्न्स वगैरह कोई और वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारे पास टर्न आ रही है, ठीक है, रोड है जो राइट साइड को मुड़ रही है, ठीक है ना, कर्व है राइट साइड को है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट आते हैं, वो पार्क्ड कार्स के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा चला जाता है। पार्क्ड कार्स के यहाँ पे पार्क कार गाड़ी खड़ी है, ठीक है, वो उसको देखना उसको देखते जाएंगे, और बाद में होगा क्या, वो गाड़ी ऐसे उस लेन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आप अभी लेफ्ट साइड पे देखोगे, वहाँ पे देखोगे, तो स्लोली स्लोली आपका स्टेयरिंग जो है वो हैंड पोजिशन है वो भी उसी तरफ की हो जाएगी, तो गाड़ी भी आपके उस टाइप ऑनकमिंग लेन में जाने का चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम चीज़ अगर आप ज़्यादा फोकस है यहाँ पे कर रहे हो बाईसाइकिल लेन में, अगर आप ज़्यादा देख रहे हो यहाँ पे, तो स्लोली स्लोली आप देखोगे कि जो आपकी गाड़ी है ना वो बाईसाइकिल लेन में इस साइड पे, वो राइट साइड पे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है, चाहे हम सीधे जा रहे हैं और मान लो आप मुड़ रहे हैं, लेफ्ट मुड़ रहे हैं, राइट मुड़ रहे हैं, डजंट मैटर, आपको अपनी लेन के बिल्कुल सेंटर में फोकस करना है। ठीक है, आपने देखना है सेंटर में, तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल सेंटर में रहेगी। तो बस आप ये अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, यू स्टेयर वेयर यू लुक। ठीक है ना, जहां पे भी आप देखोगे वहीं पे गाड़ी चली जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जैसे अभी सामने से गाड़ी आ रही है,
यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, राइट। हम आपको ठीक है गाड़ी आ रही है, आपने ऑब्वियसली आपने वो गाड़ी को भी नोटिस करना है कि गाड़ी आ रही है, उसके आप ये टायर्स वगैरह नोटिस कर सकते हो कि गाड़ी के टायर्स कहीं मेरे वाली लेन में तो नहीं है, येलो लाइन को क्रॉस करके कहीं इस साइड पे नहीं आ रहे, ठीक है। वो डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है ना, उस चीज़ पे हम वो सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो गाड़ी सामने से आ रही है, आपने उसको नोटिस कर लिया, आपको मालूम है यहाँ पे बाईसाइकिल लेन है, यहाँ पे पार्क्ड कार खड़ी है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर है। लेकिन आपसे एट द सेम टाइम आपका जो मेन फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए, अपनी लेन के सेंटर में, ठीक है ना। तो सेंटर में आप अपना फोकस करोगे तो सेंटर में ही आपकी गाड़ी जो रहेगी वो आपकी गाड़ी बिल्कुल सेंटर में रहेगी। तो थोड़ा और एग्जांपल्स के ऊपर मैं आपको अभी और एग्जांपल्स यहाँ पे ना दिखाता हूँ। तो अभी देखिए, ये अभी सड़क जा रही है लेफ्ट साइड को, तो अभी आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको अपनी गाड़ी को जो है वो सेंटर में रखना है तो आपको कहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, कमेंट में डालिए इसको, बाद में मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है जी। कमेंट में आपने लिख दिया तो आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल अपनी गाड़ी को सेंटर में आपने रखना है, ये हमारा गोल है, तो आपने वो सेंटर में ही देखना है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अच्छा, तो अभी ना मैं थोड़ा राउंड अबाउट टाइप आपको एग्जांपल देता हूँ। तो रोड टेस्ट में काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट रोड टेस्ट के लिए जाते हैं, वो गाड़ी जो है वो राउंड अबाउट में, मान लो वो ऐसे सर्कल ले रहे हैं, ठीक है ना, राउंड अबाउट में जा रहे हैं, तो वो कर्ब के ऊपर चढ़ा देते हैं गाड़ी को। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर राउंड अबाउट ये नहीं है, लेकिन ये कल दिस है कि इसको बोलते हैं, तो इसमें भी हम गाड़ी जो है वो ऐसे घुमा के वापस लेके आएंगे, ठीक है ना, हम यू टर्न ले रहे हैं। तो इसमें भी सेम देखिए प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है, सेम कॉन्सेप्ट है। आपने जो है अपने बिल्कुल अपनी लेन के सेंटर में देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने आपका जो फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कर्व के ऊपर देखो तो गाड़ी कर्व के ऊपर ही चली जाएगी बाद में। तो बाद मान लो यहाँ पे जैसे अभी टर्न लेनी हमने शुरू कर दी है, तो अभी आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, तो वो ऐसे कई बार होता है कि ना स्टूडेंट ऐसे देखता है कि मेरी गाड़ी कितनी कर्ब से दूर कितनी है, कर्ब से कितनी दूर है, कहीं कोल तो पास में तो नहीं जा रही, उसके पास में तो नहीं जा रही। तो ऐसे आप करोगे वो गाड़ी कर्ब के ऊपर ही चली जाएगी, वो हमें बिल्कुल नहीं करना। आपका जो फोकस है वो बस सामने होना चाहिए, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये मेरी लेन है और ये सेंटर है लेन का, तो यहाँ पे आप सेंटर पे अपना फोकस रखो तो गाड़ी बिल्कुल ऐसे सेंटर में ही रहेगी। ओके, तो अब बात करते हैं आपके फॉलोइंग डिस्टेंस की, ठीक है। तो अभी मान लो आपके सामने एक और गाड़ी जा रही है, तो ये गाड़ी आपके सामने जा रही है, आपने ये देखना है कि आप वो गाड़ी के बिल्कुल साथ में नहीं चला रहे हो, ठीक है ना, उसमें गैप होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल गाड़ी को साथ में चला रहे हो तो उसको टेल गेटिंग बोलते हैं, और टेल गेटिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो उसमें आपका विजन है जो वो भी ब्लॉक हो जाता है, वो भी लिमिटेड हो जाता है। तो आपने अपना गैप बना के रखना है, ठीक है, तो उससे आपका जो विजन है वो विजन आपका बना रहेगा। और आपने ये भी नहीं करना कि सामने आपकी गाड़ी जा रही है तो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो सामने गाड़ी जा रही है ना, वो बोलते हैं कि मैं तो वो सामने बंदा जा रहा है, मैं तो उसको ही फॉलो करता जाऊंगा, ठीक है। वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सामने वाला बंदा कोई गलती करता है ना, तो वो आप वो गलती रिपीट कर रहे हो, क्योंकि आप आपको जहाँ पे देखना चाहिए तो वहाँ पे आप नहीं देख रहे हो, आप गलत जगह पे देख रहे हो, सामने बंदे ने गलती की, वो गलती आप रिपीट कर दोगे। तो अभी उसकी एग्जांपल देता हूँ, तो आप ये गाड़ी देखिए, ठीक है, ये गाड़ी अभी जा रही है, तो इसको देखिए, अभी ये बंदा अगर ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, अभी ये बंदा व्हाइट लाइन के पास में जा रहा है, और अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हो, आपका फोकस सिर्फ इस गाड़ी के ऊपर है, तो स्लोली स्लोली ये होगा कि आपकी गाड़ी भी वो हुआ व्हाइट लाइन के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो अभी देखिए ये बंदा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है राइट साइड पे, राइट, बिल्कुल देखिए व्हाइट लाइन के बिल्कुल पास में चला गया, वो स्लोली स्लोली ड्रिफ्ट हो रहा है उस साइड पे, ठीक है। और अगर आप भी उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो, सिर्फ गाड़ी के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसको देख के चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी भी स्लोली स्लोली उसी साइड पे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आप भी वो मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। तो आपने ये करना है, आपने उस गाड़ी को नहीं देखना, ठीक है, गाड़ी हमारे माइंड में है कि हाँ हमारे सामने गाड़ी है, वो चीज़ है हमारे माइंड के अंदर, लेकिन आपने क्या करना है, हमें अपनी लेन के सेंटर में रहना है, उसके लिए हमें तो यहाँ पे देखना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अपनी लेन का आप सेंटर देखिए, अबाउट 12 सेकंड्स अहेड,
तो वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। तो इससे आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल वो अपनी लेन के सेंटर में रहेगी, ठीक है ना। आपने यहाँ पे नहीं देखना, साइड पे नहीं देखना। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे लाइंस को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इसको एज ए रेफरेंस दे के जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी इस साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हो शोल्डर को, तो आपकी गाड़ी यहाँ शोल्डर के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो गलत है, ठीक है। आपने बस अपनी लेन के यहाँ पे सेंटर में देखना है। तो ये आपका देखिए पॉइंट है, तो यहाँ पे फोकस पॉइंट है, तो यहीं पे आपने देखना है। तो आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल स्ट्रेट अपनी लेन के अंदर रहेगी। प्रैक्टिस करके देखिए एक बार, नेक्स्ट टाइम आप जा रहे हो ड्राइविंग लेसन के लिए, तो ये चीज़ आप जरूर करके देखिए, आपकी ड्राइविंग बिल्कुल इम्प्रूव होगी। कोई भी आपका और क्वेश्चन है आप बताइए, कॉमेंट्स में डालिए, तो हम उसके लिए नई वीडियो लेकर आते हैं। और कोई भी आपका सजेशन है वो भी जरूर बताइए, तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। अगर आप नए आए हो चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और ताकि हम उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि आपको वीडियो बढ़िया लगी है, तो हम उस आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस बना के लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।